हेलो 90s, तो करते हैं आज की क्लास शुरू क्योंकि आ गया आपका मैथ्स का गुरु। आज हम पार्ट टू कर रहे हैं हेरॉन्स फॉर्मूला को और एक्चुअली हम इसको एंड करेंगे। स्टार्ट करेंगे एग्जांपल टू से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या कहते हैं, अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड कितनी है, 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। आगे अ गार्डनर धनिया, एक नाम है ये, अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। एक गार्डनर है जिसका नाम धनिया है, उसको क्या करना है, हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, उसको क्या करना है, फेंस करना है। फेंस हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो फेंस क्या है। फेंस का मतलब होता है बेटा बाउंड्री बनाना। जैसे आपने अक्सर ऐसे बाउंड्रीज देखी होगी, ठीक है, इवन जो बॉर्डर्स होते हैं वहां पर भी होती है, इसके अलावा और भी कई फील्ड्स में होती है स्पेशली। तो देखा नुकीली कांटे वाली तार, तो क्या करना है, फेंस करना है और एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और अंदर क्या लगानी है, ग्रास, यानी ट्राइंगल के अंदर ग्रास लगानी है। हाउ मच एरिया डस शी नीड टू प्लांट, कितना एरिया उसको प्लांट करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट। इसके बाद में समझाऊंगा, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, हाउ मच एरिया डस शी नीड टू प्लांट, उसको कितना एरिया प्लांट करना है। अब एक बात मेरे को बताओ, अब एक चीज बताओ छोटा सा, कि जो प्लांटेशन होती है वो कहाँ होती है, आपसे झट से बोलोगे, इसके अंदर, राइट। अच्छा, जो फेंसिंग यानी जो बाउंड्री बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, आप झट से बोलोगे सर वो एजेस पे बनाओगे आप। ये मैंने क्यों बताया बेटा, अगर कोई काम हम अंदर कर रहे हैं इट मींस हम एरिया का यूज करेंगे, और अगर कोई काम हम बाउंड्री पे कर रहे हैं तो हम पेरीमीटर का यूज करेंगे। ये आगे के लिए हिंट है। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं, सॉरी, एरिया के लिए फॉर्मूले में सबसे पहले एस, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, यानी 50 प्लस 80 प्लस 120 बाय टू विच इज 125। अब एरिया का फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस की वैल्यू डाल दो, एस क्या होगा 125 माइनस 50, 125 माइनस 80, 125 माइनस 120। फैक्टर्स करने स्टार्ट करो, 125 के फैक्टर्स 5 × 5 × 5, और 125 माइनस 50 75, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 5। अब एक 5 तो बाहर आ गया, ओके, अब अंडर रूट क्या रह गया, 5, 75 के फैक्टर्स 5 × 5 × 3, 45 के फैक्टर्स 5 × 3 × 3, और एक 5। अब एक 5 और आएगा और एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, तो क्या आ रहा है, एक तो 5 ऑलरेडी है, 5 × 5 बाहर, 5 × एक 5 और आएगा, 5 × 3 रूट में रह जाएगा, एक 3 रह गया और एक 5, यानी 15 रूट में रह गया 15। तो कितना बनेगा ये, 5 × 5 × 5 125 × 3 375 √15 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया। अब बात करते हैं इसकी जो नेक्स्ट मेन लाइन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर, बार्ब यानी नुकीली कांटे वाली तार,
हमारे को इसकी कॉस्टिंग बतानी है एट द रेट ऑफ रुपीज 20 पर मीटर। ध्यान से इस बात को समझो, जो वायर है उसका रेट कितना है 20 पर मीटर। वायर का रेट दे रखा है कितना 20 पर मीटर, यानी एक मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज है। बेटा प्रैक्टिकली एक बात करते हैं, आपने शायद कभी नोटिस किया हो, अगर आपके घर पे इलेक्ट्रीशियन आएगा तो अक्सर बोलेगा इतनी लंबी वायर ले आओ, या एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने रिबन जरूर खरीदे होंगे, तो आपने कभी बात नोटिस करी रिबन की कॉस्टिंग होती है, लेट्स से मैं कहता हूँ 5 रुपीज पर मीटर। अब मेरे को ये बताओ, कपड़ों में भी होता है, अब एक छोटा सा पॉइंट बताओ, अगर आपने 2 मीटर का रिबन खरीदा है तो कितने रुपए आप दोगे? आप झट से बोलोगे सर 10 रुपीज। अच्छा बेटा अगर 4 मीटर के लिए तो आप झट से बोलोगे सर 20, राइट। यही बात यहां पर भी है कि 1 मीटर लेंथ कितने रुपए की पड़ेगी 20। तो मेरे को ये निकालना होगा कि टोटल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये है ना, आप वायर का लगाओगे बाउंड्री पे, आगे क्या कहता है, लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। आपने पूरी बाउंड्री पर वायर लगानी है सिवाय 3 मीटर का स्पेस के, यानी आपने 3 मीटर का स्पेस गेट के लिए छोड़ना है। तो कितनी वायर की लेंथ रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ वायर खुद देखो, ये पूरा 80 आ गया, ये पूरा 50 आ गया, बट क्या पूरा 120 आएगा? नहीं, क्योंकि 3 मीटर छोड़ना है। तो यानी 80 प्लस 50 प्लस 120 माइनस 3 मीटर 247 मीटर, यानी जो वायर की लेंथ है टोटल कितनी लंबी है 247। अब कॉस्ट निकाल दो, कॉस्ट ऑफ वायर क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वायर इज 247 इंटू में 20, 4940 रुपीज। ये आंसर आएगा, नंबर टीचर कहां डिडक्ट करता है, बच्चा रुपीज नहीं लगाता एंड में, तो यूनिट्स याद से मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. एक फ्लाईओवर है, आप देख सकते हैं इसकी साइड, इसकी दीवारों को क्या करा, एडवर्टीजमेंट के तौर पे यूज करा गया। आगे the sides of the walls are 122, 22 and 120. Sides कितनी कितनी है, 122, 20 and 22. The advertisement yield an earning of rupees 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एडवर्टीजमेंट 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का कमा रही है। ये पॉइंट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी क्या कर रही है, 3 मंथ्स के लिए वॉल्स को हायर कर रही है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना रेंट वो पे करेगी। बेटा सर इस बात को समझना, एक ट्रायंगुलर फ्लाईओवर है, 122 फिगर भी दे रखी है, 22 120। एक बात क्लियर कर दूं, एग्जाम में इसकी फिगर नहीं आएगी। अब कंपनी ने क्या करा, अपना जो भी इसके ऊपर ब्रांडिंग करनी थी उसने कर दी। तो कहता है कि एरिया निकालना है, बेसिकली निकालनी तो कॉस्ट है, बट सबसे पहले एरिया। एरिया के लिए क्या करेंगे सर, हम रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, क्या हो जाएगा 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में 2, ये आपका बनेगा 264 अपॉन 2, यानी 132। अब एरिया 132 माइनस 132 माइनस 22 132 माइनस 120। अब 132 इंटू में 110 इंटू में 10
एक्चुअली उल्टा लिख दिया मैंने, मेरे को यहाँ 10 लिखना चाहिए था, यहाँ 110 लिखना चाहिए था, इनटू में 112, 122, सॉरी 112 माय बैड, इट्स 12। अब इसके फैक्टर्स करते हैं, 132 के फैक्टर्स करते हैं, 2, 2, 3, 11। देखो कैसे बनाए मैंने, 132, 2 का करा 66, 2 का करा 33, 3 का करा 11, 11। तो 10 के 2 इंटू 5, 110 के 2 इंटू 5 इंटू 11, फिर 12 के 2 इंटू 3। आप कॉमन लो, 1 2 आ गया, 1 2 यहां से निकाल लिया, 1 3 ले लिया, 1 5 आ गया, 1 11 आ गया, 1 2 आ गया। तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे वापसी आते हैं, क्वेश्चन ने यहां क्या पॉइंट बोला था, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एडवर्टीजमेंट से आपको कितने रुपए आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट से कितने रुपए आ रहे हैं, अर्निंग है रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर वो 1 साल के लिए लेगा तो 5000 रुपये देना पड़ेगा। अब कॉमन सेंस की बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा सोचना, 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर कितने का है, 5000 का। अच्छा लेट्स से मैं आपको बोलता बेटा मैं 1 साल के लिए 2 मीटर स्क्वायर ले रहा, आप क्या बोलते सर 10000 रुपये दोगे। मेरे को चलो एक काम और करते हैं, मैं 4 मीटर स्क्वायर ले रहा हूँ 1 साल के लिए, आप झट से बोलते सर आप 20000 रुपये पे करते, राइट। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा बेटा मैं 1 साल के लिए नहीं दे रहा, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए ले रहा हूँ, अब कितने रुपए लेता। दोबारा सुनो, अभी मैंने बोला 4 मीटर स्क्वायर ले रहा हूँ मैं 1 साल के लिए, आपने झट से बोला सर 20,000 रुपीज। मैंने कहा बेटा मान लो मैं 20,000 रुपये 6 महीने के लिए लूँ तो कितने रुपये, आप बोलोगे सर 10,000 रुपये। अब जिनको ये नहीं निकालना आता कि 6 महीने का कैसे निकाला, वो ध्यान से देखे, कुछ नहीं करना बेटा, 6 मंथ्स का है तो इंटू 6/12, अगर आपका मान लो 3 मंथ्स का होता इंटू 3/12, यानी जितने भी मंथ्स हैं अपॉन में 12 कर देना। तो अब इस पे वापसी आते हैं, हम आपको रेंट निकालना है, टोटल कितना हो जाएगा, 1320 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 5000 इंटू 5000 इंटू कितने मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए, तो 3/12 सॉल्व करो, आंसर आएगा 16,50,000। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्टली बच्चे इसे सॉल्व कर लेंगे और सबके आधे आधे नंबर कट जाएंगे, उसका रीजन बताऊंगा। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल यानी जिसमें सारी साइड इक्वल हो, और साइड कितनी की है, ए की, यानी ए ए ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया निकालना हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके। If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? अगर इसका perimeter 180 का है तो area कितने का होगा? Mostly students क्या करने वाले हैं, सबके सब ये ले लेंगे सर perimeter हो गया 180, perimeter हो गया 180, और इसको लेके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व होगा, 50% नहीं, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो क्वेश्चन ने पहले यहाँ पे डिमांड करी है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। एक बार उसने यहाँ मांगा और फिर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एक बार उसने यहाँ मांगा, यानी दो बार दो क्वेश्चन है एक्चुअल में ये,
तो हम आपको क्या करना है, एरिया निकालना है पहले साइड ए लेके। एरिया के लिए एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी ए प्लस ए प्लस ए बाय टू विच इज थ्री ए बाय टू। अब एरिया अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी थ्री ए बाय टू, थ्री ए बाय टू माइनस ए, थ्री ए बाय टू माइनस ए, थ्री ए बाय टू माइनस ए, थ्री ए बाय टू, एलसीएम लो अपॉन टू, थ्री ए माइनस टू ए, थ्री ए माइनस टू ए अपॉन टू, थ्री ए माइनस टू ए अपॉन टू, क्या बना रूट में थ्री ए बाय टू इंटू ए बाय टू इंटू ए बाय टू। अब मैं थ्री ए बाय टू को क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट थ्री ए बाय टू को थ्री इंटू ए बाय टू। ऐसा क्यों, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पेयर्स बन जाएंगे, एक ए बाय टू ये वाला और एक ए बाय टू ये वाला। तो क्या बाहर आ गया, ए बाय टू बाहर, ए बाय टू एक और बार बाहर, अंडर रूट में रह गया थ्री। तो क्या बनेगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि मेरे को ए बताया ही नहीं था कि सेंटीमीटर है मीटर है या क्या है। अच्छा अब एक बात ध्यान सुनना, एक्चुअल में ये मेरा एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इसे लिख लो, ये अभी काम आएगा एज अ फॉर्मूला, ये काम आने वाला है। नोट क्या, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे वापसी आते हैं, क्या कहता है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर पेरीमीटर कितना है 180, व्हाट विल बी द एरिया। अब एरिया कितना होगा, तो आइए अब करते हैं पेरीमीटर, एक सेकंड कोई प्रॉब्लम आया, हाँ जी स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम आ गई थी एकदम से बंद हो गया था। तो आपके आते हैं क्वेश्चन में कहते हैं पेरीमीटर दे रखा है कितना 180 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस ए प्लस ए 180, कई बच्चों को पता है सीधा 3a हो जाता है। ए कितना आया 60 सेंटीमीटर। अब सुनो कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे सही करेंगे बट उसको भी लेंथी, क्यों वो एस निकालने बैठेंगे पूरा ए प्लस यानी 60 प्लस 60 प्लस 60 बाई टू ऐसे करके वो पूरा सॉल्व करेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम बेटा, बता तो दिया शॉर्टकट फॉर्मूला ये रहा एरिया ट्रायंगल का, सीधा इसमें ए की जगह साइड पुट कर दो। आइए एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या हो जाएगा सीधा रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, ए यानी 60 इंटू 60 कट करो 230, आंसर विल बी 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये था आपका चैप्टर, अगर आपको चैप्टर समझ आया और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। बाय बाय।